उनका भी नाम इसमें शामिल होता है, शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए। सर 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 एक बात है सर, राज्यसभा के विषय को लेकर सर बात हो रही है, आपने भी इच्छा जाहिर की है सर, राज्यसभा से जा रहे हैं, कंफ्यूजन है ये बात। ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, सर सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त है, 24 सीटों पर सर सर चुनाव हो रहा है सर, विपक्ष भी कह रही है बहुत मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है सर, उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। ठीक सर, बोचहा पे सर चुनाव है सर, क्या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सर कुछ निर्धारित हो रहा है सर? चुनाव प्रचार में जाएंगे सर, 10 तारीख को जाएंगे, 10 तारीख को सर। ठीक 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 सर, धन्यवाद। वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफ़ी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। चलिए, कोई काम नहीं हो रहा, जितने बैठकें होती हैं केवल दिखावटी होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती। और आप देख रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे, बिहार में हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घुसा मार दे, उस पर भी किसी बड़े अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घुसा मार दे और किसी अधिकारी पर कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। आप बताओ चुनाव हो रहा है क्या, किस तरह का तैयारी देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था? 2-3 ब्लॉक घूम आए हैं ना, और अन्य ब्लॉक पे भी SDPO DSP मुख्यालय अन्य अवसर घूम रहे हैं ना, कहीं से कोई शिकायत नहीं है, पर्याप्त बल की प्रतुति की गई है। किस तरह से सेक्टर या और ड्यूटी लगाया गया सुरक्षा को लेकर सर? क्योंकि जो उसका एक पैरामीटर्स होता है उसके हिसाब से बल की प्रतुति की गई है, उसके अलावा भी अतिरिक्त बल प्रतुति की, ताकि कहीं से भी कोई शिकायत ना मिले, और पूरा भरोसा है कि शांति पूर्ण मतदान संपन्न होगा। अभी नौगछिया ब्लॉक में यहाँ पे क्या देखे, किस तरह कितना परसेंट पोल या उस तरह का जानकारी आप मिल पाई है? परसेंटेज हमने पोल फिगर नहीं लिया है, लेकिन यहाँ जो हमने बात किया अपने जो पदाधिकारी हैं दंडाधिकारी उनके से जो मालूम हुआ, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव तो हुआ है, पर आगे होगा। कितना परसेंटेज है? 81% आपने सुना ही, 81% चुनाव हो चुका है। ठीक है, मर्जी का चुनाव हो रहा है, इस बार कैसा प्रत्याशी आप लोग चुन रहे हैं? इस बार आप जनप्रतिनिधि हैं, वोट दे रहे हैं, जो जीत जाए, बहुत उम्मीदवार है, कैसा प्रत्याशी इस बार आप लोग चुन रहे हैं, कैसा उत्साह है मन में? हम लोग अच्छा प्रत्याशी चुन रहे, जो अच्छा काम करे, हम लोग को विश्वासी रहे, जो पंचायत का विकास कर सके, जो पंचायत का विकास कर सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो अच्छा विकास करेंगे सर, उसी को हम लोग जताना चाहेंगे। इस बार MLC का प्रत्याशी इस बार चुन रहे हैं आप लोग, जो काम अच्छा करेगा, जो पंचायत का विकास करेगा, काम करने का समर्थन करेगा, जो विकास करेगा, जो विकास करे उसे 85 132 मतदाता।